ये जरल मैं थोक तले सटे ना अपनी थोक को मैं अपने हाथ मेरी थोक को अपने हाथ में तो रख दे अपने में बदन दो ते मान लेने होवन चाहे जितना औलाद बाद अब क्यों ना होवे जितना कदर करनी होवे इवे नहीं करनी लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे बारे अल्लाह ने फरमाया वल्लजीन माहु पैगंबर ते जरे यार हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोक मुबारक तले सटेन तो सहाबा अपने हाथ ते सटते चाहते अपने बदन में ते मल घिंदे अब सुभान अल्लाह हुजूर सुनो मैं तो ये गल करना पे हम जरा बाल दरमियान दे गलती करे और अस 10 साल बाल पढ़े 6 साल हाफिज थे दरमियान दे नाजे करें दे कमियां करें दे कुतायां करें दे बहु बहु वडे वडे गलतियां करें दे लेकिन आखिरी वक्त उन गलती को नहीं लिठावेगा ये बात अस आदे से ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी को ए गलती थी फलाने मौके ते ए थी ऊ चीज को ना देखो आखिर दे नतीजे को देखो आखिर दे रिजल्ट देखो जरे वाले रिजल्ट हमने पिछले सारे कमियां पूरे थी वेन अल्लाह ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हुम रजवान अल्लाह फरमाने मैं इन्हें ना राजी हो मेरे ना राजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा पढ़ाया हुजूर ने सहाबा दी तरबियत की थी और दुनिया दे विच कामयाब और कामरान दी थे के और ओ लोग साडे कीते नमूना हैं ओ लोग साडे कीते मिसाल राह हैं ओ लोग साडे कीते मॉडल हैं उन्हें दा ईमान साडे कीते मॉडल है उन्हें दा ईमान साडे कीते एक मिसाल है अस उन्हें दे नक्शे कदम दे चलूं ता सारी दी जिंदगी बेहतर दी वैसी हुण मैं बयान कीते दावत देसा साडे मुरब्बी साडे उस्ताद हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा अब्बासी साहब को आमिन तुहारे सामने उस्ताद जी साहब को जाना कीमती नसाए फरमावे और मदारस और मसाजिद दीन इस्लाम की अहमियत सागर सामने बयान करें तो सारे गौर ना सुन सो बादक बढ़ सुन सो अल्लाह पाक तो जजाए खैर अता फरमाए।